खाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन, और यहाँ पे प्याज को मैंने पीस लिया है, और ये है गरम मसाला और लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसमें मैंने दाल को गला लिया, दाल फ्राई। तो सा खाना बना रही हूँ यहाँ पे, और कद्दू और चने दाल की सब्जी जो है मैंने बना ली है। और अब इसमें ऐड कर दूंगी लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा जीरा का पाउडर और धनिया का पाउडर। नमक ले लेंगे आप अपने स्वाद के अनुसार, इसमें नमक ऐड कर दीजिए, और इसमें हल्का सा पानी देकर मैं इसको ढक के रख दूंगी पकने के लिए। यहाँ पे जब तक मैं अपनी चाय पी लेती हूँ, नहीं तो ये ठंडी हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, और आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि हमारे साथ पापा नहीं आए थे, तो आज पापा आने वाले हैं, और अभी यूनुस गया है उनको पिक करने के लिए। तो थोड़ी देर में बस पापा पहुँचने वाले घर, ओके दिन मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। जब पापा आ जाएंगे तो मैं आप लोगों को उनसे मिलवाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। टाइम से पहुँचा दिया ना? हो रहा है ना? अच्छा, तो यहाँ पे आ गया है मेरा मन पसंद मिठाई, जो कि पटना का है। पटना वालों, आप लोग बुरा बिल्कुल नहीं मानिएगा, क्योंकि मुझे पटना की जो मिठाई है ना, वो एकदम नहीं पसंद है, लेकिन मुश्किल से मुझे ये वाली मिठाई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने उनको बोला था कि पापा आ रहे हैं तो आप उनके हाथों ये वाला मिठाई, ये नारियल का ड्राई लड्डू है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यही एक मिठाई है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन इसको सारा मैं ही ख़त्म करने वाली हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर किया है जोमेटो से, आप लोग गेस करिए, बस कुछ सेकंड में पता चल जाएगा कि हम लोगों ने क्या ऑर्डर किया है। तो ये है बिहार का फेमस लिट्टी और चोखा, जो कि अब जोमेटो से भी आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो ये चीज काफी अच्छा लगा कि जब लिट्टी चोखा वैसे ही मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो जब मन कर रहा था खाने के लिए तो हम लोगों ने ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा देख के। इसको पहले टेस्ट करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे क्या कैसा टेस्ट है इसका। लोगों ने यहाँ पे चिकन बिरयानी भी ऑर्डर किया है, तो अभी टेंशन नहीं। अगर आप बिहार से हो और आपको लिट्टी चोखा खाने का मन कर रहा है, तो आप कहीं भी हो तो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं लिट्टी चोखा। और यहाँ पे बहुत टेस्टी सा बिरयानी भी आ चुका है हमारा, तो अब भूख लग रहा है बहुत तेज़ी से, खाना खाने जाएंगे हम लोग। पे चेतक का भाई खड़ा है, तेज हो गया। और
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह हो चुकी है और मैं जा रही हूँ थोड़ा सा टेरिस पे। और आज जो है यहाँ पे काफी बारिश हो रही है, अभी भी फिलहाल हल्की हल्की बारिश हो रही है। ये तो मुझे नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि कहीं बारिश तेज ना हो जाए, जब तक आप मेरे टेरिस का एक पूरा लुक देखिए। ये है स्टोर रूम जहाँ पे कुछ अकड़म बकड़म सामान जो होते हैं ना वो रखे गए हैं। और यहाँ पे कुछ प्लांट्स जो सोनू ने लगाए हैं, वो लोग चले गए थे ना पटना, तो ये देखिए ये वाला जो प्लांट है एकदम सूख गया है, बाकी सब तो फिर भी ठीक है लगभग लगभग। और ये तुलसी का पौधा है लेकिन अभी ये ठीक है। और ये है नींबू का, जिसमें छोटे छोटे नींबू भी हैं। फिलहाल जो है बारिश बहुत तेज हो रही है तो मुझे जाना है अभी नीचे। चलिए, बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई थी तो भागना पड़ा। और मौसम कुछ ऐसे ही चल रहा है अभी, दो तीन दिन से बारिश जो है वो होती है फिर रुक जाती है फिर होती है, मतलब अब ठंडा इसी तरीके से आने वाला है। तो अभी शाम हो चुकी है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ शाम का नाश्ता। नाश्ते में मैं बना रही हूँ यहाँ पे मसूर दाल के पकौड़े। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने दाल को पीस लिया और इसमें प्याज हरी मिर्च काट के इसमें डाल दिया है। और लहसुन अदरक का पेस्ट वो ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो आप डालिए, नहीं तो आप बिना डाले भी बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। शायद बना लिया है, बस पकोड़े को तलना है। अभी मैं इसको फ्राई कर लूंगी। बर्फी खाना है काजू का। तो आज था फ्राइडे तो इस वजह से आप लोग देख रहे होंगे यूनुस व्हाइट व्हाइट कुर्ता पजामा में है, तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। खाना है पकोड़े? खाना है ना? चौमिन है, चौमिन। वो जो आपने इससे पहले वाला और पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा कि चाउमीन बनाए थे जिसमें आलू डाल के बनाते, मैंने आपको बताया था, तो वो वाला चाउमीन इसको इतना ज्यादा पसंद है कि बस जब भी मैं पूछती हूँ कि क्या हो गया नाश्ते में तो उसका जवाब यही आता है कि चाउमीन। तो ये जो मसूर दाल के जो पकौड़े हैं ये काफी ज्यादा टेस्टी होते हैं और बहुत क्रिस्पी होते हैं। और मैंने एक चीज नोटिस किया है कि मेरे ससुराल में जो है ज्यादातर, जैसे कि यहाँ पे जो जो चीज में हम लोग मसूर दाल डाल के बनाते हैं, जो भी रेसिपी होती है वो मेरे ससुराल में, वहाँ पे हम लोग चना दाल डाल के बनाते हैं। जैसे कि अगर अंडा वाला एक सब्जी होता है, अंडा को फ्राई करके तवे पे और फिर दाल को गला के अलग से उसमें मसाले उसमें ऐड करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग मसूर दाल ऐड करते हैं, वहाँ पे हम लोग चने दाल को ऐड करते हैं। उसी तरह से ये वाला जो पकौड़ा ये ज़्यादातर यहाँ पे बनता है मसूर दाल का और मेरे ससुराल में बनता है चने की दाल का। और हाँ, और एक है पराठा, हम लोग बनाते हैं पराठे में मसूर दाल को डाल के, मतलब मसूर दाल का पराठा, और वहाँ पे मेरे ससुराल में बनता है चने दाल का पराठा। तो हुआ ना, मतलब जो जो हम लोग यहाँ पे मसूर दाल जिसमें ऐड करते हैं वहाँ पे मेरे ससुराल में चने दाल को ऐड किया जाता है, तो दोनों ही जगह की काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ का अच्छा या फिर वहाँ खराब, वहाँ का अच्छा या फिर यहाँ पे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे यहाँ का भी अच्छा लगता है और चने दाल खाती हूँ तो वहाँ का भी मुझे अच्छा लगता है। और जो सिंपल दाल जो बनता है दाल चावल के साथ, वो भी यहाँ पे हम लोग मसूर दाल ज़्यादा बनाते हैं। और बिरयानी वाली दाल अगर आप लोगों ने नहीं खाई हुई तो आप लोग ज़रूर खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। फिलहाल अभी अजान हो रही है, मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो आज मुझे खाना बनाने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, वैसे यहाँ पर तो कोई टाइमिंग नहीं रहता, मैं जब मेरा मूड होता मैं तभी बना लेती हूँ। और अभी हम लोग अपना ब्लॉग ही देख रहे थे सब एक साथ बैठ के, तो वही देखते थे, मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन अभी मैं फटाफट से यहाँ पर अपना डिनर रेडी करूंगी जो कि बहुत सिंपल से बनने वाला है, जैसा कि मैंने आप सबको दिखाया था। क्या हुआ? आओगे? इतना सही है? तो ये आके बीच बीच में मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता रहता है। यहाँ पे मैंने जिस ऑयल में पकोड़े को तले थे उसी में मैं इसमें प्याज और मिर्च ऐड कर दूंगी। कुछ पकोड़े को तल के निकाल लिया है, इसका मैं बनाऊंगी भरता रात में खाने के वक्त। इसमें कुछ नहीं करना है, इसको पकड़ के आप मैश कर दीजिए अच्छे से, उसके बाद इसमें प्याज मिर्चा धनिया का पत्ता काट के और सरसों का तेल थोड़ा सा देके, बहुत टेस्टी लगता है खाने में।
और अभी मैं आप सबको अपने घर के बहुत ही प्यारे मेंबर से मिलाने जा रही हूँ, जिसका मैं इंतजार बहुत दिन से कर रही थी, लेकिन वो यहाँ पे नहीं था, वो मेरे छोटे चाचू के घर पे था। तो मैं बहुत वेट कर रही थी कि ये आए तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, ये है मेरे घर का बहुत ही प्यारा मेंबर मिठू। मिठू मिठू मिठू। तो जब मम्मी पापा लोग पटना जा रहे थे तो इसको छोटे पापा के घर पे रख के चले गए थे, अमन के घर पे। मीठू मीठू मीठू, ये लो मीठू मीठू। इसको भूख लगी है तो मैं अभी इसको दे रही हूँ मिर्च, देखती हूँ खा रहा है कि नहीं। मीठू, अरे वाह। यहाँ पे मेरी चावल बन रही है, आलू को मैंने इसमें डाल दिया था, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसको ढक के हाई फ्लेम में पका लेंगे। ये जो पराठा आप देख रहे हैं, इसमें आपको ऑयल देके फ्राई करने की कोई जरूरत नहीं, आप बिना ऑयल के बस गरम करिए तवे पे और खाइए, जैसा कि अभी मैं कर रही हूँ। रात के 2:30 बज रहे हैं और मीठू कब से जो है ना चिल्लाया जा रहा है, पता नहीं इसको भूख लगी है शायद, मैं कब से वीडियो एडिट कर रही थी, चलिए देखते हैं उसको क्या हुआ। मीठू, अरे मिठू भूख लगी क्या? है भूख लगी है? अभी इसको मिर्ची दे देते, शायद इसको बहुत तेज भूख लगी है। हाँ, इसको वाकई में भूख लगी है भाई। खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो। अभी इसको खाने देते हैं, शायद अब ना चिल्लाए। ओके बाय बाय बाय, सो जाओ, गुड नाइट। और अब मैं भी जा रही हूँ सोने, क्योंकि अगर नहीं सोऊंगी तो 3 बज जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा, और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग को एडिट कर लेते हैं। तो चलिए अभी मिलते हैं सुबह आपसे, गुड नाइट।